लेट्स डू क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू दैट इज अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिलेटर्स क्वेश्चन नंबर टू इज कंसिडर द फॉलोइंग पैलेलोग्राम्स इन सारे पैलेलोग्राम्स को देखिए एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड और हमें एक्स वाई जेड जो इस इन फिगर्स में एक्स वाई जेड दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे फर्स्ट फिगर देख लेते हैं अपनी फर्स्ट फिगर में एंगल बी हमें हंड्रेड डिग्री दे रखा है और बाकी तीन एंगल्स हमसे पूछें तो फर्स्ट फिगर में अगर आप देखेंगे ये पैलेलोग्राम है इस क्वेश्चन को देखने से पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ज़रूर देखें उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको पैलेलोग्राम की कि पैलेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल बी हमें हंड्रेड डिग्री दे रखा है तो एंगल डी भी हंड्रेड डिग्री होगा तो हम ये कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी मतलब एंगल बी हंड्रेड डिग्री है तो एंगल डी वाई है तो वाई की वैल्यू भी हंड्रेड डिग्री होगी क्यों बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलेलोग्राम आर इक्वल इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल्स पैलेलो के राइट right? अब हमें वाई पता चल गया अब एक्स और जेड निकालना है अब मैंने आपको बताया था ए बी और बी सी एडजस्टेंट साइड है और बी सी और सी डी एडजस्टेंट साइड है तो एडजेसेंट साइड पे जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है राइट right? तो हम क्या कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा वाई बिकॉज यहाँ पे लिख दीजिए साइड में सम ऑफ Adjacent angles, adjacent angles are, angles are supplementary. Adjacent angles का सम क्या होता है Supplementary होता है राइट right? तो अब एंगल बी हमें 100 डिग्री दे रखा था अब मैं यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख रही हूँ राइट right? और एंगल सी हमें x दे रखा था राइट right? इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री अब x क्योंकि वेरिएबल है तो अपनी जगह रहा 180 डिग्री अपनी जगह रहा और 100 इधर आके माइनस का हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री आ गई अब हमें x पता चल गया y पता चल गया z की वैल्यू निकालनी है तो देखिए क्योंकि ये पैलेलोग्राम है तो एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे इक्वल होंगे क्यों क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट एंगल्स हैं और ऑपोजिट एंगल्स पैलेलोग्राम के इक्वल होंगे क्यों इक्वल होंगे क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स पैलेलोग्राम के इक्वल होते हैं तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा तो एंगल सी हमारा एक्स था और एक्स की वैल्यू कितनी आई है एट्टी डिग्री तो यहाँ पे अब एट्टी डिग्री लिखेंगे एक्स नहीं लिखेंगे और एक कितना था जेड तो हमारी जेड की वैल्यू भी आ गई ये क्यों इक्वल है बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलेलोग्राम ऑफ अ पैलेलोग्राम आर इक्वल आंसर लेट्स डू बी पार्ट नाउ बी पार्ट में अगर देखें हमें ऑलरेडी बता रखा है क्वेश्चन में कि ये सारे पैललोग्राम्स है तो पैललोग्राम की ही प्रॉपर्टी लगेगी राइट right? तो देखिए अब ये पैलेलोग्राम है इसकी नेमिंग कर देते हैं जिससे कि ईजी लगेगा बताने में कि कौन सी की बात कर रहे हैं तो पी क्यू आर एंड एस देखिए अब इस पैरेलोग्राम पी क्यू आर एस में पैरेलोग्राम है और पैरेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो Q के ये अंदर का इंटीरियर एंगल Q का इस एंगल S के इक्वल हो जाएगा तो बी पार्ट में एंगल S किसके इक्वल है इंटीरियर एंगल ऑफ Q कितना हो गया एंगल S 50 डिग्री था तो इंटीरियर एंगल Q भी 50 डिग्री का हो गया वाई बिकॉज दीज आर क्यों इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैलेलोग्राम ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल आर इक्वल इक्वल होते हैं इसलिए राइट right? अब हमें ये वाला इंटीरियर एंगल पता चल गया तो अब आप देखिए एस angle, और पी एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है पैलेलोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम कह सकते हैं एंगल पी प्लस एंगल एस कितना होगा 180 डिग्री वाई बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री इज सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 एट्टी डिग्री तो एडजेसेंट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है अब देखिए एंगल पी कितना दे रखा है एक्स और एंगल एस हमें 50 डिग्री दे रखा है तो इक्वल टू 180 एट्टी डिग्री तो एक्स कितना आ जाएगा 180 अपनी जगह रहा और 50 उधर जाके माइनस का हो गया तो एक्स आ गया हमारा 130 डिग्री अब जितना एंगल एक्स है मतलब पी जितना एंगल है उतना ही आर होगा क्यों क्योंकि पैलेलोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल पी किसके इक्वल है एंगल आर के तो एंगल पी था हमारा अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वन थर्टी डिग्री और एंगल आर है वाई ये दोनों इक्वल है वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैलेलोग्राम एंगल्स ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल इक्वल होते हैं राइट right? अब हमें x पता चल गया y पता चल गया अब z निकालना है तो z कैसे निकालेंगे देखिए ये Q की क्या है स्ट्रेट लाइन है और ये इतना एंगल हमारा z दे रखा है तो इंटीरियर एंगल एंगल Q प्लस z कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री क्यों क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स हैं लीनियर पेयर और लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल क्यू आया था हमारा 50 डिग्री इंटीरियर एंगल और Z हमें पता नहीं है इक्वल्स टू 180 डिग्री तो Z कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपनी जगह और 50 इधर आके माइनस का हो गया तो एंगल Z आ गया हमारा 130 थर्टी डिग्री इज द आंसर लेट्स डू सी पार्ट नाउ अब सी पार्ट में देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये फिगर क्या है एक पैरलोग्राम है तो इसकी नेमिंग कर देते हैं एम एन ओ पी और ये है क्यू राइट right? अब देखिए अब इस ट्राइंगल को देखें तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा राइट right? अब देखिए ये लाइन एमओ और पी एन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है क्यू पॉइंट पे राइट right? तो हम यहां लिख सकते हैं ओ एम एंड पी एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स डायग्नल हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाइन्स है इंटरसेक्टिंग तो जो ये वाला एंगल है ये वाला ये कौन सा एंगल हुआ एन क्यू एम एम क्यू एन कुछ भी लिख सकते हैं तो एंगल एन क्यू एम जो हुआ वो किसके इक्वल हुआ एक्स के इक्वल हुआ क्यों क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ये एंगल्स लिखा है मैंने राइट right? अब एन क्यू एम ये कितना दे रखा है हमें नाइंटी डिग्री तो हमारा नाइंटी डिग्री हुआ एक्स की वैल्यू राइट right? अब एक्स पता चल गया अगर हम ट्राइंगल पी क्यू ओ की बात करें तो एक्स पता चल गया ये वाला एंगल थर्टी डिग्री पता है तो हम थर्ड एंगल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू ओ अब हमें पता है तीनों एंगल्स का सम वन एट्टी डिग्री होता है ये अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है तो अब जिस भी एंगल को स्पेसिफाई करना है उसको हम मिड में रखते हैं तो पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल ओ पी क्यू इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है अब Q एंगल कौन कितना दे रखा है हमारा X और X की वैल्यू कितनी आई थी 90 तो 90 की बात डिग्री हो गया प्लस ये मिड वाली वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ले रही हूँ क्यू एंगल ओ एंगल ट्राइंगल पी क्यू ओ की ही बात हो रही है ओ एंगल हमारा 30 डिग्री दे रखा है तो 30 डिग्री लिख दिया और P एंगल हमारा Y दे रखा है तो Y लिख दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री अब 90 प्लस थर्टी हमें पता है 120 डिग्री होता है प्लस Y इक्वल्स टू 180 डिग्री तो देखिए Y की वैल्यू इजली निकाल सकते हैं Y कितना आ जाएगा 180 डिग्री अपनी जगह रहा 120 उधर जाके माइनस का हो गया तो Y आ गया हमारा 60 डिग्री राइट right? अब एक्स निकल गया वाई निकल गया अब हमें जेड निकालना है तो Z कितना आएगा अब देखिए Y और Z क्या होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों होंगे देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ओ पी क्या है हमें पता है पी ओ एन एम क्या है पैलेलोग्राम है ओ पी एम एन इज अ पैलेलोग्राम इज अ पैलोग्राम है राइट और पैललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैलेलोग्राम है और पैलेलोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैल होती हैं तो ओ पी किसके पैलल हुआ एम एन के एंड एम पी किसके पैलल हुए साइड पैल हो गई और अगर पी एन को माना जाए तो पी एन क्या हो गई ट्रांसवर्सल हो गई एंड पी एन इज अ ट्रांसवर्सल इज अ ट्रांसवर्सल तो देखिए ये एक लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल होती है राइट तो इसी तरीके से ये एक लाइन है देखिए मैं कलर करके दिखा रही हूँ ये दो लाइंस हैं और ये उनकी ट्रांसवर्सल हो गई है राइट तो जब भी ऐसे होता है तो अगर ये लाइन पैरेलल होती हैं कौन कौन सी ये दो लाइंस पैरेलल होती हैं और ये उसका ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है मतलब y एंगल z एंगल के इक्वल होता है क्यों बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो y इज इक्वल्स टू z तो कितना आ गया ये 60 डिग्री y बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं राइट right? हमें एक्स की भी वैल्यू पता चल गई वाई की भी और जेड की भी तो दिस इज आर आंसर लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ अब डी पार्ट है हमारा फिर से नेमिंग कर देते हैं ईजी करने के लिए तो ए बी सी एंड डी तो देखिए अब डी पार्ट में कहें या फोर्थ पार्ट में कहें अब हमें बी एंगल दे रखा है और b एंगल d के इक्वल होगा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर ईक्वल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो एंगल बी हमारा एट्टी डिग्री था और एंगल डी हमारा वाई था तो वाई की वैल्यू आ गई अब एंगल ए और डी क्या है एडजस्टेंट एंगल्स हैं और एडजिटेंट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा 180 एट्टी डिग्री वाई बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होता है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 एट्टी डिग्री का होता है राइट right? अब एंगल ए कितने का है x का तो एक्स लिख दिया और एंगल डी जो कि वाई है वो अभी अभी निकाला है 80 डिग्री का देखिए यहाँ पे निकाला है इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री तो एक्स कितना आ जाएगा 180 एट्टी डिग्री अपनी जगह रहा और 80 उधर जाके माइनस का हो गया तो एक्स आ गया हमारा 100 डिग्री राइट अब ये एक्स पता चल गया ये वाई पता चल गया तो हमें इंटीरियर एंगल सी पता चल जाएगा कैसे सी क्योंकि ये वाली स्ट्रेट लाइन है तो ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है राइट तो इंटीरियर एंगल सी प्लस जेड हमारा कितना बैठेगा 180 डिग्री क्यों क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर एंगल्स का है या स्ट्रेट लाइन एंगल्स का है बात एक ही है लीनियर पेयर एंगल्स अब इंटीरियर एंगल सी कितने का बैठेगा देखिए ये इंटीरियर एंगल जो है वो एक्स डिग्री ही बैठेगा क्यों क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे ऑपोजिट एंगल यहाँ साइड में लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल सी और एंगल ए कितना आया था हमारा हंड्रेड डिग्री राइट तो वही के क्या हो गया इंटीरियर एंगल सी के इक्वल हो गया राइट right? तो इंटीरियर एंगल सी हमें पता चल गया हंड्रेड डिग्री का है प्लस जेड इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन एट्टी अपनी जगह रहा और हंड्रेड उधर जाके माइनस का हो गया तो z कितना आ गया एट्टी डिग्री इज द आंसर लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ ये एक पैलेलोग्राम है और हमें दो ट्राइंगल्स की फॉर्म में भी दे रखे हैं राइट right? तो E पार्ट कह रही हूँ इसको अब क्योंकि पैलेलोग्राम है नेमिंग कर देते हैं P क्यू आर एंड एस राइट पी क्यू आर एस है एंगल क्यू क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैलेलोग्राम है तो एंगल क्यू किसके इक्वल होगा वाई के एंग इक्वल होगा यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम तो एंगल क्यू इक्वल हो गया एंगल एस के इक्वल हो गया वाई बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैलेलोग्राम आर इक्वल इक्वल होते हैं पैलेलोग्राम के अपोजिट एंगल्स राइट अब एंगल क्यू हमें हंड्रेड डिग्री का दे रखा है और एंगल एस वाई दे रखा है तो हमें वाई की वैल्यू पता चल गई 112 डिग्री का है राइट right? अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इस ट्रायंगल में वाई की वैल्यू पता चल गई ये 40 पता है अब एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम तो इन ट्रायंगल कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं पी एस आर की बात कर रहे हैं तो पी एस आर में तीनों एंगल्स का सम हमें पता है वन एट्टी डिग्री होगा क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वन एट्टी डिग्री होता है तो जिस भी एंगल को स्पेसिफाई करते हैं उसको मिड में लिखते हैं तो पहले इस एंगल की बात हो रही है तो एस पी आर प्लस एंगल पी पी आर एस प्लस एंगल आर एस पी तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है एंगल सम प्रॉपर्टी कहें या थ्योरम कहें एक ही बात है राइट अब देखिए यहाँ पे बीच में पी है तो पी एंगल कितने डिग्री का था 40 डिग्री तो 40 डिग्री सिर्फ ट्राइंगल के अंदर वाला जो पी एंगल है वो देखना है अब क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे ट्राइंगल ऑलरेडी स्पेसिफाइड है अब आर एंगल आर कितने डिग्री का एक्स तो यहाँ पे प्लस एक्स और एस कितने डिग्री का है वाई की वैल्यू क्या आई थी एस जो है वो वाई है और वाई की वैल्यू हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री आई थी तो हंड्रेड ट्वेल्व डिग्री इक्वल्स टू तो वन एट्टी डिग्री तो अब ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी तो ये आ गई वन फिफ्टी टू डिग्री प्लस एक्स एज इट इज इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री तो एक्स कितना आ गया वन एट्टी डिग्री में से वन फिफ्टी टू डिग्री माइनस कर देंगे तो एक्स कितना आ जाएगा टेन में से टू गया एट सेवन में से फाइव गए टू ट्वेंटी एट डिग्री का हो गया अब हमें x भी पता चल गया y भी पता चल गया अब z निकालना है तो z कैसे निकालेंगे देखिए अब क्योंकि एस आर पैल है पी क्यू के क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैलोग्राम है और आर पी कहे पी आर कहें उसकी ट्रांसवर्सल है तो वही लिख रही हूं मैं एस आर इज पैर टू पी क्यू एंड आर पी इज अ ट्रांसवर्सल इज अ ट्रांसवर्सल है तो एंगल एस आर पी किसके इक्वल होगा एंगल आर पी क्यू के इक्वल होगा कितना जितना कि हमारा ये देखिए ये एक्स एंगल जेड एंगल के इक्वल होगा तो एक्स एंगल कितना आया था ट्वेंटी एट तो ट्वेंटी एट डिग्री के इक्वल होगा वाई बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये क्या कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं अभी अभी मैंने बताया जब दो पैरल लाइंस होती हैं और एक ट्रांसवर्सल जाती है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारा इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी एट डिग्रीज का आंसर